अगर आपके पास सूजी है तो इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सूजी और कुछ मिक्स वेजिटेबल्स चाहिए और ये बस फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने से पहले कुछ सब्जियों को काट लें। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे हल्का सा और उसमें सूजी को डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक मिनट के लिए भूनना है बिना कलर चेंज किए। तो हल्का सा चला करके इसे हम निकाल लेंगे। इसे निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 से 2 स्पून। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, चॉप किया हुआ लहसुन और साथ में ही चॉप किया हुआ 1 प्याज ऐड करेंगे। इन सबको हल्का सा भून लेना है, कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बाकी सब्जियां। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कट करके गाजर, साथ में ही बारीक कटा हुआ बीन्स। इन सबको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ऐड करना है मिर्च, उसे बारीक कट कर लें। छोटे छोटे पीसेस में रहेगा तो वो तीखा कम लगेगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा। साथ में ही ऐड करेंगे थोड़ा सा मूंगफली, इसे धुल करके ले लें और फिर इसे ऐड करें। 1 टमाटर, उसे भी काट करके डाल देंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसे टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएगा। इन सबको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसे हम कवर करके रख देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे सारी सब्जियां पक जाएं। लो फ्लेम पे छोड़ना है इसे और 1 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे सब्जियां हो गई हैं या नहीं। नहीं हुई है तो थोड़ी देर के लिए इसे और पका लें, और हो गई है तो इसे चलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। एक से 1.5 गिलास पानी यूज करना है और जब पानी बॉयल होने लगेगा फिर इसमें हमें ऐड करना है सूजी, लेकिन पहले पानी को बॉयल कर लेना है। मैंने इसमें किसी भी मसाले का यूज नहीं किया है। अगर आपको कोई मसाला पसंद हो तो आप यूज करें, बट ये बिना मसाले के बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें सूजी को ऐड करेंगे, एक हाथ से ऐड करना है और दूसरे हाथ से इसे चलाना है, जिससे उसमें लम्प्स ना पड़े। मिलाते रहेंगे इसे, ये देखिए इसका पानी भी कम हो रहा है और ये जो सूजी है वो मिक्स भी हो रहा है पानी में। गैस का फ्लेम हाई कर दें और जो पानी है जब तक कि वो पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। ये हमारा नाश्ता बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। इसी तरह की ढेरों रेसिपीज़ के लिए चैनल पर विज़िट करें।